हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए, ठीक है। तो उसका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 3 से 4 मिनट उसको बना सकते हो। आप रट्टा तो बिल्कुल ना मारे, क्योंकि बोर्ड में जो आपके पास प्रेशर रहता है दिमाग पे, उसके थ्रू आप सारे आंसर भूल सकते हो, ठीक है। तो रट्टा ना मारे, ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसको प्रैक्टिस करो। 3 से 4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप मात्र 3 से 4 मिनट में ये टेबल पूरा बना लोगे, ठीक है। और आपको बोर्ड में 15 मिनट पहले ही क्वेश्चन पेपर दिया जाता है रीड करने के लिए। तो क्या करना, जब आपको 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा तो आप उसके लास्ट पेपर पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना देना, ताकि एग्जाम में आपका कोई भी टाइम वेस्ट ना हो आंसर सोचने के लिए कि 10:30 क्या होता है, 10 cot 45 क्या होता है, ठीक है, समझे। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको दो से तीन चीज़ याद रखनी है। यहाँ पे क्या याद रखना है कि 10 क्या होता है, 10 एक मिनट रुको पेन ले 10 क्या होता है, 10 इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, ठीक है। 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। और sec क्या होता है, sec होता है 1 अपॉन कॉस, ठीक है। और क्या याद रखना आपको, 0 अपॉन 1 क्या होता है, 0 अपॉन 1 0, और 1 अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 ये लिखना है। और क्या करना है, सबको 4 से डिवाइड कर देना है, 4, 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
रूट में लिखना है। अब देखो 0 अपॉन 4 क्या हो जाएगा, 0 अपॉन 4 0 हो जाएगा और अंडर रूट 0 क्या हो जाएगा 0। अब देखो ये 1 अपॉन 4 है, ठीक है 1 अपॉन 4 है, देखो रूट 1 क्या होता है, रूट 1 1 हो जाएगा और रूट 4 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2। अब देखो रूट 2 क्या हो जाएगा, रूट 2 क्या हो जाएगा, ये है 2 डिवाइड बाई 4, 2 बाई 4 है, यहाँ पे क्या है 2 बाई 4। अब देखो यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है 1 अपॉन 2, तो हम अंडर रूट क्या देखेंगे 1 बाई 2 देखेंगे। अब देखो रूट 1 क्या हो जाएगा 1 और रूट 2 का क्या हो जाएगा रूट 2 ही रहेगा, ठीक है तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। अब देखो ये रूट 3 बाई 4 है, रूट 3 का क्या हो जाएगा रूट 3 ही रहेगा और रूट 4 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 बाई 4 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 1 जा 4 1 जा, और रूट 1 क्या हो जाएगा, रूट 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। बस आपको इतना ही निकालना था, ठीक है। अब आपको सिर्फ फॉर्मूले अप्लाई करने, साइन में क्या आ जाएगा जो वैल्यू लिखे वही आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 बाई 2, यहाँ पे 1 अपॉन रूट 2, यहाँ पे रूट 3 अपॉन 2 और यहाँ पे 1। देखो जो आंसर था वो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे नीचे लिख दिया। अब कॉस में क्या करना है, साइन का उल्टा लिखना है। देखो पीछे से देखो साइन का, 1 रूट 3 बाई 2, 1 अपॉन रूट 2, 1 बाई 2 और 0, ठीक है। अब देखो टेन क्या था, टेन मतलब क्या होता है साइन अपॉन कॉस, यहाँ पे देखो मैंने स्टार्टिंग बताया था टेन क्या होता है साइन अपॉन कॉस। अब देखो 0 अपॉन 1 क्या, देखो 0 अपॉन 1 क्या, 0 अपॉन 1 0, ठीक है 0 अपॉन 1 0। अब देखो ये क्या हो जाएगा 1 बाई 2 डिवाइड बाय रूट 3 बाय 2, रूट 3 बाय 2। अब देखो ये डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में तो नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई 2 इन टू 2 बाय रूट 3, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, ठीक है तो क्या हो गया, तो क्या मिला अपने को 1 अपॉन रूट 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। अब ये रुको यहाँ पे मिटा दूँ मैं सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट। अब देखो ये क्या है 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2, तो 1 अपॉन रूट 2 डिवाइड बाय 1 अपॉन रूट 2। अब देखो ये रूट 2 नीचे डिवाइड में ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 इन टू रूट 2 डिवाइड बाय 1, ये रूट 2 रूट 2 कट गया, 1 अपॉन 1 क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब देखो अब अगला करते हैं फटाफट, इसको मिटा दूँ मैं कैसे भर दूँ, ये देखो ये क्या हो जाएगा
रूट थ्री अपॉन टू डिवाइड बाई वन अपॉन टू, रूट थ्री डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई वन अपॉन टू, ये रूट टू नीचे टू जो डिवाइड में ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, देखो रूट ये क्या हो जाएगा इंटू टू बाई वन हो जाएगा, तो ये देखो ये कट गया, क्या बचा रूट थ्री डिवाइड बाई वन, रूट थ्री डिवाइड बाई वन क्या होता है रूट थ्री ही होता है, ठीक है। अब वन अपॉन जीरो क्या है, तो डायरेक्टली कह सकते हैं वन अपॉन जीरो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। अब टेन में क्या करना है, कॉट में क्या करना है, टेन का उल्टा लिखना है, देखो इन्फिनिटी रूट थ्री वन वन अपॉन रूट थ्री और जीरो, ठीक है। अब लास्ट क्या बचा अपने पास, लास्ट बचा सेक, दो लास्ट क्या बचा सेक बचा, सेक क्या बोला था मैंने वन अपॉन कॉस, सेक क्या है वन अपॉन कॉस, रुको सेक क्या है वन अपॉन कॉस, देखो चलो अब सेक सॉल्व करते हैं, sec मतलब वन अपॉन कॉस, वन अपॉन कॉस मतलब पहले में क्या आ जाएगा वन अपॉन वन, वन अपॉन वन क्या हो जाएगा वन होगा। अब देखो सेकेंड क्या है वन अपॉन सॉरी मिटा दो गलती से, वन अपॉन देखो वन अपॉन क्या हो जाएगा रूट थ्री बाई टू, वन अपॉन रूट थ्री डिवाइड बाई टू, टू नीचे है तो ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा टू बाय रूट थ्री, तो यहाँ पे क्या आएगा टू बाय रूट थ्री, ठीक है। अब देखो वन अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, अब क्या है वन अपॉन रूट टू, ये रूट टू ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट टू डिवाइड बाई वन विच इज इक्वल टू रूट टू ओनली, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा रूट टू, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा वन अपॉन टू, देखो ये वाली वन अपॉन कॉस ना, तो मतलब वन अपॉन वन डिवाइड वन रूट टू, तो ये देखो ये टू डिवाइड में ऊपर चले जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा टू बाई वन विच इज इक्वल टू टू ओनली, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टू। अब ये देखो ये भी क्या जीरो वन अपॉन जीरो क्या होता है वन अपॉन जीरो इज इन्फिनिटी, देखो वन वन फॉर्मूले में क्या था वन का वन और कॉस यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस जीरो है, यहाँ पे कॉस क्या है जीरो है, यहाँ पे कॉस जीरो है ना, तो वन अपॉन जीरो क्या वन अपॉन जीरो इज इन्फिनिटी, ठीक है। और अभी कोसेक में क्या करना है उल्टा लिख देना है इन्फिनिटी, कोसेक में किसका उल्टा लिखना है सेक का उल्टा लिखना है टू रूट टू टू बाय रूट थ्री और वन, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया इसलिए इतना टाइम गया, लेकिन आप जब प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है, बहुत ही कम टाइम लगेगा। अगर आपको कुछ भी ये टेबल में नहीं समझा तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है।